मॉर्निंग भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग इस वक्त हैं कल्पा में, सुबह उठ के बिल्कुल रेडी हो गए। आज है हमारा डे 3 स्पीति ट्रिप का और आज हम जाएंगे कल्पा से सीधा काजा। डिस्टेंस रहने वाला है लगभग 220 किलोमीटर, जीपीएस के अकॉर्डिंग 5 घंटे और रियल टाइम लगते हैं 7 से 8 घंटे। तो देखो हम कितनी देर में पहुंचते हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट हमने ऑर्डर कर दिया है, ब्रेकफास्ट आ जाए, ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। कल्पा का मौसम एक्चुअली नारकंडा से हल्का सा वार्म है, 3-4 डिग्री ऊपर है, तो हमें कोई ठंड वंड आज तो नहीं लगी बिल्कुल भी। बट आगे के लिए हम रेडी हो गए हैं। आज हमने शुरू से स्वेटशर्ट वगैरह डाल ली है और एक एक जैकेट जो है वो हम हैंडी रखेंगे ताकि जैसे ही हम काजा की तरफ पहुंचे तो हमें एकदम से ठंड ना लग जाए। ये आ गया भाई अपना ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे, आलू प्याज के पराठे और ब्रेड बटर टोस्ट। भैया आप क्या लेके आए? चाय। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ मैंने गाड़ी पार्क की थी कल शाम को, अभी मैंने कोल्ड स्टार्ट कर दिया है ताकि आराम से इंजन थोड़ा वार्म अप हो जाए। थोड़ी सी डिस्क में आवाज आ रही है जब मैं बहुत ही स्लो स्पीड पे गाड़ी की ब्रेकिंग लेता हूँ। ये मुझे पहले दिन से आनी शुरू हो गई थी, मे बी ब्रेक पैड्स आर वॉर्न आउट, उसका मुझे अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। स्पीड पे गाड़ी चल रही होती है तो कोई आवाज नहीं है। अब आई डोंट नो ये एकदम से कैसे हो गया, देखी जाएगी जो भी है। आई होप ट्रिप में कम से कम कोई दिक्कत ना आए। तो जी हम लोग कल्पा से नीचे उतर गए हैं, अब हमने वापस ज्वाइन कर लिया है NH5। ये हमें सीधा सीधा लेके जाएगा स्पीति और सतलुज रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे, विच इज द खाप संगम, और उसके बाद हम लेफ्ट टर्न मारेंगे स्पीति की तरफ और उसके बाद थोड़ी देर में आएगा नाको, उसके बाद स्पीति स्टार्ट हो जाएगी। 199 किलोमीटर अभी हमारा डिस्टेंस है जो हमें कवर करना है। 2:06 का अराइवल बता रहा है, बट लोग कहते हैं प्रैक्टिकली आप 5 से पहले नहीं पहुंच पाओगे, तो देखते हैं। 4.5 घंटे का ड्राइव टाइम 200 किलोमीटर के हिसाब से आइडियल होना चाहिए, बट शायद रास्तों में मतलब थोड़ा बहुत सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो डाउन हो जाता है, वो हम चल के देख लेंगे। बाकी यहाँ पे पहाड़ों का अलग ही लेवल है यार, रोड तो बहुत अच्छी है लेकिन ये पहाड़ बहुत खतरनाक है, पत्थर वत्थर यहाँ से हमेशा गिरते रहते हैं। और भाई कुछ लोग यहाँ पे जो लोकल्स हैं बड़ी ही खतरनाक गाड़ियां चलाते हैं, स्पेशली जो लॉर्ड ऑल्टो वाले हैं ना भाई साहब, मतलब क्या ही गाड़ी चलाते हैं यार। टेम्परेचर रीडिंग्स आज की अभी तक की है 19.5 डिग्री सी, थोड़ी देर में ये टेम्परेचर और डिप होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब हम हाइट गेन करेंगे जबरदस्त वाली। भाई लोग अपने बिल्कुल सेट हैं गाड़ी में, आज बड़ा भाई पीछे हो गया है, छोटा भाई आगे आ गया है, पता नहीं क्यों, बट इन्होंने कुछ आदान प्रदान किया है। हाँ भाई, हाउ इज द जर्नी सो फार? दोबारा पूछता हूँ, हाँ भाई हाउ इज द जर्नी सो फार? भाई अभी स्पिलो से थोड़ा सा पहले हम लोग रुके हैं, यहाँ पे एंट्री करवाने गया है भाई, शायद वो गाड़ी का नंबर नोट करेंगे कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं। आज धूप पूरी बढ़िया निकली हुई है इसलिए कार में अपने को प्लेजेंट लग रहा है। इतनी जर्नी अच्छी है यार, थोड़ा कल्पा से धीरे धीरे उतरने में टाइम लग गया, बट 30 किलोमीटर जो हमने नीचे उतरने के बाद NH5 पे कवर किए हैं, अमेजिंग रोड भाई।
भाई ये ड्राइव जितनी ब्यूटीफुल है ना उतनी ही खतरनाक भी। ये जितने पहाड़ हैं सीधे खड़े पहाड़ हैं, यहाँ पे मैंने स्लैंटिंग पहाड़ तो देखे ही नहीं जब से हम चले हैं कल्पा से। और जगह जगह मतलब छोटे छोटे शूटिंग स्टोन्स और पत्थर तो गिरे ही हुए हैं हर जगह। कहीं कहीं पे जो लेबर्स हैं वो सब साफ भी कर रहे हैं इसको भाई। कंटिन्यूस मतलब रॉक फॉल वाला एरिया। और सामने के पहाड़ देखो इतने ऊंचे पहाड़ हैं। हम लोग बहुत अच्छी हाइट पे चल रहे हैं इस टाइम, फिर भी सामने वाले पहाड़ इतने ज्यादा ऊंचे हैं, ऐसे लग रहा है उससे ज्यादा ऊंचा और क्या ही होगा। लेकिन अमेजिंग भाई, बहुत सुंदर ड्राइव है। रिस्क है बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ वेजिटेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बीच बीच में छोटे छोटे स्ट्रीम्स आ रहे हैं जो सतलुज रिवर में मर्ज हो रहे हैं। वो भाई क्या पानी है उनका, इतना क्लियर। और यहाँ पे ब्रिजेस भी ना मैंने देखा है काफी सारे बन चुके हैं। अभी तक कोई ऐसा ही साइट नहीं आई है ना, अभी तक कोई ऐसा सेक्शन नहीं आया कि ब्रिज बन रहा है और रोड टूटी हुई है या ऐसा कुछ। रोड टूटी हुई है, थोड़े बहुत हल्के फुल्के पैचेस हैं, बट 99% रोड बहुत अच्छी हैं। भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं पू, जो बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है और एक बड़ा गांव कह सकते हैं या स्मॉल टाउन जो भी कह लो, यहाँ का एक मेजर जो है हैबिटेशन है। यहाँ पे थोड़े बहुत कैफे भी आ जाते हैं, बट एक्चुअली हाइट हमने बहुत अच्छी अटेन कर ली है और सामने व्यूज जो है बहुत बढ़िया वाले ओपन हो गए हैं। यहाँ से हम खाब संगम पहुंचने वाले हैं जो कि यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर होना चाहिए। रोड कंडीशन देखो यार, अमेजिंग रोड। मतलब एक भी गड्ढा नहीं है इस रोड में, इतनी रिमोट जगह पे। इट इज द रिमोटेस्ट ऑफ रिमोटेस्ट प्लेसेस। और क्या बना रखा है यार बीआरओ ने, हैट्स ऑफ टू बीआरओ। और आसपास कोई वेजिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, पथरीले पहाड़ अलग से चमक रहे हैं। मतलब एक ब्राउन कलर का अलग से, मतलब इन पे धूप पड़ रही है ना, अलग से ही चमक के इनका जो कलर सामने आ रहा है, अलग ही दुनिया है भाई। जिसको ड्राइविंग पसंद है ना उसको तो यहाँ पे आना चाहिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं खाब संगम। इस जगह का एग्जैक्ट डिस्टेंस कल्पा से है 80 किलोमीटर और हमें वही 2-2.25 घंटे लगे हैं। एंड रोड्स हैव बीन एक्सीलेंट। एक बार कल्पा से नीचे उतरे NH5 पे आए, एक्सीलेंट रोड्स यार। बीच में बहुत छोटे मोटे पैचेस हैं जहाँ पे हल्का सा ऑफ रोड है या कुछ है, बट भाई बहुत अच्छी रोड्स हैं, मजेदार। और भाई ये है यहाँ का मेन कनेक्टिंग ब्रिज, यहाँ से रास्ता जाता है तिब्बत को, सिर्फ आर्मी को एक्सेस है। काम चल रहा है यहाँ पे भी। भाई ये है यहाँ पे संगम पॉइंट। ये यहाँ से जो रिवर आ रही है, दिस इज सतलुज रिवर कमिंग फ्रॉम तिब्बत, और जो यहाँ से आ रही है ग्रीन कलर का पानी, ये स्पिति रिवर है। और ये दोनों रिवर ज्वाइन होकर यहाँ से बन जाती है सतलुज। और भाई ये वाली जो रोड है इस पे हमें जाना है टूवर्ड्स स्पिति। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यार, इतना सुंदर, ह्यूज ब्रिज है ये, बहुत सुंदर। आप संगम जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है। व्यूज बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, कैसे पहाड़ियों को काट के दो नदियों का संगम है, उसके ऊपर ब्रिज है,
मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आगे निकल चुके हैं वहां से हम और अब हम लूप्स को क्रॉस कर रहे हैं जो नाको से पहले हैं। ये 6-7 लूप्स हैं, काफी ऊपर तक गाड़ी चढ़ जाएगी। ये थोड़ी देर बाद आ जाएगा नाको जहाँ पे हम अपना लंच करेंगे। आई थिंक विद इन हाफ एन आवर वी शुड रीच नाको। बाकी यार अब यहाँ से हम हाइट गेन करना शुरू कर देंगे बहुत तगड़े वाली।